अमृत महोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिलाधिकारी कार्यालय में जिला प्रशासन एवं जिला सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित विभाजन विभिषिका प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से 17 तारीख तक इस प्रदर्शनी में आने की अपील भी की है। इस प्रदर्शनी में नागरिकों को भारत और पाकिस्तान के विभाजन का चित्रमय दृश्य दिखाई देगा। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा धार्मिक आधार पर किए गए विभाजन के कारण जीवन शैली अस्तित्व में अचानक परिवर्तन कैसे हुआ, यह विभाजन मानसिकता के अभाव में लगाया गया था। उस समय सही स्थिति क्या थी, 2 जून 1947 को वास्तव में विभाजन को मंजूरी दी गई थी। इस विभाजन के कारण लोगों के मन में भय और हिंसा का एक संयोजन था। विभाजन के कारण जो ऐतिहासिक बैठकें हुई, यह प्रदर्शनी आपको इसका प्रमाण दिखाएगी। हमारी आजादी को 75 साल पूरे हो गए और ये आजादी जो हमें मिली कई लोगों के बलिदानों के बाद, एक बड़ा संघर्ष चला, कई लोग जेल में बंद हुए, कई परिवार जुड़े, कई लोगों को फांसी पर छोड़ना पड़ा, कई लोगों ने गोलियां खाई, उसके बाद जाकर हमको आजादी मिली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हमें कुछ कार्यक्रम दिए और ये कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये जनता का कार्यक्रम होना चाहिए, समाज का कार्यक्रम होना चाहिए। हर भारतवासी को ये देखना चाहिए कि मेरी आजादी को 75 साल पूरे हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।